न्यूयॉर्क से खबर शामिल करते हैं, जहां पर अमरीकी रियासत मैरीलैंड के होली क्रॉस अस्पताल में मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी सीनियर सहाफी अंजम हैरल्ड गिल फेफड़ों के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 59 वर्ष थी। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले अंजम हैरल्ड गिल ने 90 की दहाई में लाहौर से शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार से अपनी सहाफत का आगाज किया था। इब्तदा में वो दी फ्रंटियर पोस्ट से मुंसलिक रहे, बाद हजा उन्होंने दी न्यूज, डेली टाइम्स समेत कई अंग्रेजी अखबार के लिए काम किया। लाहौर प्रेस क्लब के वो कई साल तक एक मुतहरिक और फाल रकन रहे। कई साल पहले वो लाहौर से अमरीकी रियासत मैरीलैंड में मुंतकिल हो गए थे, जहाँ क्याम के दौरान उन्होंने वाशिंगटन DC में कई वर्ष तक वॉइस ऑफ अमरीका के लिए भी काम किया। वॉइस ऑफ अमरीका के लिए काम करने वाले साबिक सहाफी मुबशर जैदी के मुताबिक सीनियर सहाफी अंजम हैरल्ड गिल को चंद हफ्ते कबल रेगुलर चेकअप के दौरान फेफड़ों के तीसरे दर्जे के कैंसर का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद से वो मुसलसल कई माह से अमरीकी रियासत मैरीलैंड के होली क्रॉस अस्पताल सिल्वर स्प्रिंग में जेरे इलाज थे, जहाँ कई रोज संगीन हालत में रहने के बाद गुज़श्ता शाम वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अंजम हैरल्ड गिल की तदफीन अमरीकी रियासत मैरीलैंड में ही की जाएगी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले हुए अंजम हैरल्ड गिल के सहाफी दोस्तों और साथियों ने उनकी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है।